प्रिय विद्यार्थियों, इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में सामाजिक मान्यता के बारे में बताया गया है कि महिला यदि अच्छे व्यवहार वाली हो, पर यदि वो विधवा होकर के अपने पिता के घर में रह रही हैं, तो समाज उसे शंका की दृष्टि से देखता है और सभी यही चाहते हैं कि वो अपने पति के घर में ही रहे। इसी संदर्भ में शकुंतला को उनके साथ में आए हुए आश्रम के ऋषि कुमार यह चाहते हैं कि भले ही दुष्यंत उसे स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, उसे दुष्यंत के घर में ही रहना चाहिए। सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तृमतिं विसंकते अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः। श्लोकान्वय। भर्तृमतिं ज्ञाति कुल एक संश्रयाम सतीम अपि जनः अन्यथा विसंकते अतः स्व बंधु भी प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतु समीपे ईष्यते। कठिन शब्दों के अर्थ। भर्तृमतिम, भर्तृ अर्थात भर्ता अर्थात पति, मति यानी युक्त अर्थात पति से युक्त अर्थात सधवा, जिसका पति हो उसे सधवा कहते हैं, पति नहीं हो उसे विधवा कहते हैं। तो यहाँ भर्तृमतिम का अर्थ है सधवा स्त्री। जाति, ज्ञाति का अर्थ है बंधु बांधव। कुल अर्थात वंश। एक संश्रयाम अर्थात एक ही स्थान पर आश्रय करने वाली अर्थात अपने पिता के घर में ही रहने वाली। सतीम अपि, सती अर्थात अच्छे आचरण वाली को भी। अन्यथा कुछ अन्य प्रकार से ही विपरीत रूप से विसंकते शंका करते हैं। अतः इस कारण से स्व अर्थात अपने बंधु भी अर्थात परिवार के बंधु बांधवों द्वारा प्रमदा अर्थात युवती स्त्री प्रिया अर्थात प्रिय हो, अप्रिया जो प्रिय नहीं हो, परिणेतु हो अर्थात पति के समीपे पास में इष्यते रखी जाने की इच्छा करते हैं। श्लोक का अनुवाद। पति युक्त स्त्री यदि सदैव अपने पिता के घर में रहती हो और वह यदि साध्वी हो, अच्छे व्यवहार वाली हो, फिर भी समाज में लोग उसके पिता के घर में रहने का एक अन्य अर्थ लगाते हैं। अतः पिता के बंधुओं द्वारा युवती वधु जो कि पति युक्त होती है, चाहे वह प्रिया हो अथवा अप्रिया हो, उसको अपने पास न रख करके और पति के घर में ही रखना चाहते हैं। भाव यह है कि कालिदास के समय समाज में यह मान्यता थी कि सधवा स्त्री यदि अच्छे आचरण वाली हैं, परंतु यदि वह सदैव पिता के घर में ही रह रही हैं, तो लोग उसको अन्य अर्थ में ले लेते हैं। अतः पिता के घर वाले यही चाहते हैं कि उसकी पत्नी उसके पति के घर में ही रहे, चाहे वो पति को प्रिय हो अथवा अप्रिय हो। इसी मान्यता के कारण शकुंतला को उसके पिता के घर वाले चाहते हैं कि भले ही दुष्यंत उसे रखे या नहीं रखे, उसे दुष्यंत के घर में ही रखने की भावना प्रकट करते हुए उसको वहीं छोड़ करके, रोती हुई को छोड़ करके दोनों ऋषि मुनि पुनः अपने आश्रम में लौट जाते हैं। इसी सामाजिक मान्यता को इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक इस प्रकार है कि इस श्लोक में दुष्यंत कहते हैं कि स्त्रियां तो
बिना किसी शिक्षा के ही चतुर होती हैं, और यह बात तो मनुष्यों को छोड़ करके पक्षियों में भी पाई जाती है। इसी को एक उदाहरण के द्वारा दुष्यंत बता रहे हैं। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुषिषु संदृश्यते किमुतया प्रतिबोधवत्य प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वपत्यम जातम मन्ये द्विजे परभृता खलु पोषयन्ति। श्लोक का अन्वय। स्त्रीणाम अमानुषीषु अपि अशिक्षित पटुत्वं संदृश्यते यः प्रतिबोधवत्य तासां किम उत परभृता खलु अंतरिक्ष गमनात् प्राक स्वम अपत्य जातम अन्यैः द्विजैः पोषयन्ति। कठिन शब्दों के अर्थ। स्त्रीनाम स्त्रियों के मध्य स्त्रियों के बीच में अमानुषीषु मानुषी अर्थात मनुष्य जाति संबंधी अमानुषी मनुष्य जाति से भिन्न अशिक्षित पटुत्वम शिक्षित अर्थात सिखाया हुआ अशिक्षित बिना सिखाए ही पटुत्वम अर्थात चतुरता बिना सिखाए ही चतुरता संदृश्यते अच्छी प्रकार से देखी जाती है। यह जो प्रतिबोधवत्य है प्रतिबोध अर्थात जिनको ज्ञान हो अर्थात जो ज्ञानवती हो जो विदुषी महिलाएं हो तासाम उनमें तो किम उत कहना ही क्या है अर्थात उनका तो फिर बात ही क्या है। परभृतः पर अर्थात पराये और भृत अर्थात रखने वाली अर्थात अन्य के द्वारा रखने वाली अर्थात कोयले कोयल को परभृत कहते हैं क्योंकि कोयल काली होती हैं और कौवे भी काले होते हैं। अतः कोयल क्या अपने नवजात कोयल बच्चों को कौवों के बच्चों के साथ रख देती हैं और कौवे उनको भी अपने बच्चों के समान मानते हुए उनका पालन पोषण करते हैं और जैसे ही वो उड़ने के योग्य हो जाते हैं तब वो अपने परिवार में आके मिल जाते हैं। इसी कारण से कोयल को परभृत कहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कौवों के द्वारा करवाती है। तो परभृतः अर्थात कोयले खलु निश्चित ही अंतरिक्ष अर्थात आकाश में गमनात जाने से प्राक यानी पूर्व अंतरिक्ष में जाने का अर्थ है उड़ने से पहले ही स्वम अपने अपत्य जातम अर्थात अपनी संतान को अन्य ही दूसरे द्विजयी पक्षियों के द्वारा पोषयंती पालन कराती हैं। श्लोक का अनुवाद। दुष्यंत कहते हैं कि स्त्रियों के मध्य मनुष्य जाति से भिन्न में भी बिना सिखाए ही चालाकी देखी जाती है अर्थात जो मादा होती है वो मनुष्यों से भिन्न वो भी क्या है चतुर होती है। तो जो मनुष्य है और वो शिक्षित है उनका तो कहना ही क्या है। उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जो कोयले होती है वो आकाश में उड़ने से पूर्व अपने बच्चों का दूसरे पक्षियों अर्थात कौवों के द्वारा पालन पोषण करवाती है। यहाँ भाव यह है कि दुष्यंत शकुंतला को शिक्षित मानते हुए कहता है कि उसने विवाह नहीं किया है फिर भी वह उससे विवाह की बात कह करके और राजा की पत्नी बनना चाहती है। इसी संदर्भ में उसने यह बात कही है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जब दुष्यंत शकुंतला द्वारा बार बार कहने पर भी उसे पहचानने से मना करते हैं विवाह की बात को भूल जाते हैं तब ऋषि कुमार शकुंतला को कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार बहुत अच्छे प्रकार से परीक्षा करके सोच समझ कर ही करना चाहिए क्योंकि बिना विचारे हम किसी अज्ञात मनुष्य से कोई व्यवहार करेंगे तो उससे हमारी ही हानि होगी। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयस्वेवम वैरी भवती
सौहृदम्। अन्वय, अतः संगतम परीक्ष्य कर्तव्यम्, रह संगतम तु विशेषात् परीक्ष्य कर्तव्यम्। अज्ञात हृदयेषु सौहृदम् एवं वैरी भवति। शब्दार्थ, अतः इस कारण से, अर्थात दुष्यंत द्वारा शकुंतला के गंधर्व विवाह को मना करने के कारण संगतम, संगतम अर्थात साथ, मित्रता या मेल मिलाप, परीक्ष्य परीक्षा करके अच्छे प्रकार से देख करके कर्तव्यम करनी चाहिए। रह, रह अर्थात एकांत, संगतम साथ, एकांत में किसी के साथ रहना या व्यवहार करना तो विशेषात, विशेष रूप से परीक्ष कर्तव्य, विशेष रूप से परीक्षा करके ही करना चाहिए। अज्ञात हृदयेषु, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, जानते नहीं है, उनके हृदय के, उन ऐसे मनुष्यों के साथ सौहृदम व्यवहार या प्रेम वैरी भवति अर्थात शत्रुता का कारण बनता है। श्लोक का अनुवाद, ऋषि कुमार शकुंतला से कहते हैं कि तुमने दुष्यंत के साथ प्रेम व्यवहार किया और वो भी अकेले में किया, इसमें सामाजिक मान्यता नहीं की थी, इस कारण से अब उस एकांत में किए गए व्यवहार को सामाजिक रूप से मान्यता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तुम दोनों ने ही उस प्रेम विवाह को किया था और किसी अन्य को साक्षी नहीं बनाया, अतः आज सामाजिक रूप से तुम दोनों में एक के द्वारा मना करने पर अन्य कोई भी तुम्हारे इस प्रेम विवाह को मान्यता नहीं दे पा रहा है। इसीलिए हमें किसी के साथ प्रेम या व्यवहार, उसके व्यवहार, कुल, वंश, आचार विचार की परीक्षा करके ही करना चाहिए, और एकांत में प्रेम आदि संबंध तो विशेष परीक्षा के बाद ही करने चाहिए, क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम इसी प्रकार शत्रुता के रूप में हो जाता है, जैसा इस समय शकुंतला का हो रहा है। इस श्लोक में दुष्यंत यह कहते हैं कि मैं किसी भी पराई स्त्री के प्रति विमुख हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, इसी को उदाहरण के रूप में बताते हुए कहते हैं, कुमुदान्य एव शशांक सविता बोधयति पंकजान्य एव वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति ही। श्लोक का अन्वय, शशांक है कुमुदानी एव सविता पंकजानी एव बोधयंती ही वशिनाम वृत्ति ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी भवति। शब्दार्थ, शशांक है, शशांक का अर्थ है चंद्रमा, कुमुदानी अर्थात कुमुद, कुमुद एक ऐसी वनस्पति हैं जो कि रात में ही विकसित होती हैं और चंद्रमा को देख के विकसित होती हैं। सविता, सविता अर्थात सूर्य, पंकजानी एव बोधयति, पंकजानी अर्थात कमल को ही बोधयति विकसित करता है। वशीनाम, जिनके नियंत्रण में इंद्रियां होती है अर्थात जो जितेंद्रिय होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को नियंत्रित करने वाला जो है, उनकी वृत्ति ही अर्थात मनोवृत्ति, मन का व्यवहार, पर परिग्रह, पर अर्थात पराये, परिग्रह अर्थात संपर्क, संश्लेष परांगमुखी, संश्लेष का अर्थ है संपर्क, परांगमुखी पराये मुख वाला अर्थात पराई स्त्री के संपर्क से दूर रहने वाला। शब्दार्थ के बाद अनुवाद, दुष्यंत कहते हैं कि मैं किसी पराई स्त्री के प्रति वैसे ही विमुख हूँ जैसे अन्य रहते हैं, और मैं जितेंद्री हूँ, चंद्रमा कुमुद को ही विकसित करता है, कमल को नहीं विकसित करता है, वैसे ही सूर्य कमल को विकसित करता है, कुमुद को नहीं, इसी प्रकार
जितेंद्रीय व्यक्ति की मनोवृत्ति भी स्त्री के संपर्क से सदैव विमुख होती है। भाव यह है कि चंद्रमा कमल को विकसित नहीं करता है, वह कमल के प्रति उदासीन है। उसी प्रकार सूर्य भी कुमुद के प्रति उदासीन है। और मैं भी जितेंद्रीय मनुष्य होने के कारण स्त्री के संपर्क से सदैव उदासीन रहता हूँ। श्लोक का भावार्थ यह है कि मैं शकुंतला को जानता नहीं हूँ, मेरे लिए यह पराई स्त्री है, इस कारण से आपके कहने पर भी मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि पराई स्त्री के प्रति मैं जितेंद्रीय व्यक्ति हूँ। धन्यवाद।